जो कि हमारे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट जेनरल सिलेबस के यूनिट 2 में भी मेंशन है और यूनिट 8 में भी मेंशन है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो को इस तरह बनाया जाए जिससे आपका एक ही जगह से पूरा टॉपिक कवर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन का काम होता है हमें सोशलाइज करना और हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना, मतलब सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हमें ट्रेन करना। फैमिली वर्ड का ओरिजिन फैमिलिया वर्ड से हुआ है। फैमिलिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और जो ये फैमिलिया वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है फैमिलस वर्ड से। फैमिलस एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्वेंट। सो मेजरली क्वेश्चन पूछते वक्त यही पूछ सकता है कि फैमिली वर्ड का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है, तो अगर ऑप्शन में फैमिलिया रहे तो हम उसके साथ जाएंगे, और अगर ऑप्शन में फैमिलस रहे तो उसके साथ में जाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैमिलिया कौन सा वर्ड है, लैटिन या रोमन है, तो फैमिलिया लैटिन है और फैमिलस रोमन वर्ड है। अभी जैसे जैसे हम थिंकर्स की डिफिनेशन देखेंगे और फैमिली के फंक्शन देखेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि फैमिली होता क्या है। सबसे पहला डेफिनेशन है मर्डॉक का, वो बोलते हैं फैमिली इज ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाई कॉमन रेसिडेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब वो बोलते हैं फैमिली एक ऐसा सोशल ग्रुप है, ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए, मतलब लोग साथ में रहें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब पैसे के मामले में एक दूसरे का सहयोग करें। और रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकते हों और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हों। फिर मर्डॉक का ही कोट है, फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, मतलब फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सब जगह है, जो हर जगह है, मतलब सर्वव्यापी है। फिर ऑगबन और निपॉफ का डिफिनेशन है, फैमिली इज ए ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रेन। मतलब ये फैमिली को ड्यूरेबल एसोसिएशन बोलते हैं, मतलब लंबा चलने वाला एसोसिएशन जिसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, ये ऑगबन और निपॉफ बोलते हैं। फिर किंग्सले डेविस बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्संस हुज रिलेशंस टू वन अनदर आर बेस्ड ऑन कंसांगिनिटी, मीन्स ऐसे लोगों का समूह जिनका जो रिलेशन होता है वो कंसांगिनियस होता है, मतलब वो ब्लड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं ये लोग फैमिली। फिर बर्गेस और लॉ का डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पर्संस यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज ब्लड और एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड। बर्गेस और लॉक बोलते हैं ऐसे लोगों का समूह जो या फिर मैरिज से जुड़े हों या फिर ब्लड से जुड़े हों या फिर एडॉप्शन से जुड़े हों बट वो सिंगल हाउस होल्ड में रहते हों। फिर मैकाइवर एंड पेज बोलते हैं अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप, ऐसा ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप कॉमन हो उसको मैकाइवर एंड पेज बोलते हैं फैमिली। इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट थिंकर थे मैंने उनकी डिफिनेशन आपको बता दिया है, आपको इसको याद कर लेना है। पूछ भी सकता है कि कौन कौन सी डिफिनेशन किसकी है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली, इसमें कौन कौन से थिंकर कौन कौन सा फंक्शन बताते हैं ये डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज पीटर मर्डॉक जो फैमिली के चार फंक्शंस का बात करते हैं अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर में। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1949 में लिखी गई थी, सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की बुक है, आपको याद रखना है। फंक्शंस कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है सेक्सुअल फंक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव, तीसरा है इकोनॉमिक, चौथा है एजुकेशनल। मतलब फैमिली क्या क्या करती है, पहला उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, सेकंड उसमें हम बर्थ देते हैं बच्चों को, थर्ड उसमें इकोनॉमिक हेल्प होता है, और चौथा वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब उसमें रह के बच्चे सीखते हैं। तो ये चार फंक्शंस थे मर्डॉक के अकॉर्डिंग। पर्संस बात करते हैं दो टाइप के फंक्शन का, पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा है पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन। मतलब पर्सन बोलते हैं कि फैमिली किसी भी बच्चे का प्राथमिक सोशलाइजेशन करती है, प्राथमिक समाजीकरण करता है। सबसे पहले बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली में होता है। और जो सेकंड है पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन, इसका मतलब है इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर, इसमें फैमिली के लोग एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। फिर गुड़े बात करते हैं फंक्शन का, पहला फंक्शन बोलते हैं प्रोक्रिएशन, मतलब कि उत्पत्ति, मतलब बच्चे पैदा करना। सेकंड फंक्शन है फैमिली का सोशल कंट्रोल, वो नियंत्रण रखती है सामाजिक प्रणाली पर। थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है इकोनॉमिक लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, मतलब जो हमारा स्टेटस है उसको डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है। और फिफ्थ है सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। तो इस तरीके से गुडे बात करते हैं पांच टाइप के फंक्शन का। फिर किंग्सले डेविस बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, प्लेसमेंट का और सोशलाइजेशन का। फिर ऑगबन और निमकॉफ बात करते हैं फैमिली फंक्शन का, पहला अफेक्शन, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा रिक्रिएशन, चौथा प्रोटेक्ट, पांचवा रिलीजियस और छठवां एजुकेशन। सारे लेवल सिमिलर ही हैं। अफेक्शन मतलब आप जानते होंगे इमोशनल सपोर्ट होता है। फिर मैंने डिस्कस किया था इकोनॉमिक क्या होता है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक मदद करते हैं। थर्ड है रिक्रिएशन, मतलब बच्चे पैदा करना। फोर्थ है प्रोटेक्ट, मतलब सुरक्षा करना। पांचवा है रिलीजियस, मतलब धर्म से जोड़ना। और छठवां है एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा प्रदान करना। फिर लुंडबर्ग बात करते हैं
चार टाइप के फंक्शन का। पहला है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा है केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन, तीसरा है कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, चौथा है प्राइमरी ग्रुप सेटिस्फैक्शन। मतलब ये बोलते हैं फैमिली सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, दूसरा बोलते हैं बच्चों का केयर करता है, तीसरा बोलते हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है और कोऑपरेशन होता है, मतलब आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और चौथा है ये प्राइमरी ग्रुप को सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं ये मैंने ग्रुप वाली वीडियो में बताया है, जाके उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंकर है रोनाल्ड फ्लेचर, इनकी बुक है फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन, जिसमें ये बोलते हैं फैमिली इज ए मल्टीफंक्शनल सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने वाला फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली हैज नॉट डिक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। मींस कुछ थिंकर बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिली के फंक्शंस कम हो गए हैं, बट रोनाल्ड फिशर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फैमिली का इंपॉर्टेंस अभी भी उतना ही है। नेक्स्ट है रॉबर्ट एम मैकाइवर, जो बात करते हैं दो टाइप के फैमिली के फंक्शन का, पहला है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है ये मैंने पीडीएफ क्लास में डिस्कस किया है, अब देख लेते हैं थियोरीज ऑफ इमर्जेंस ऑफ फैमिली, मतलब कि फैमिली की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से थिंकर क्या बोलते हैं कि फैमिली कैसे आई, उसके बारे में जानेंगे इसमें। पहला है थियोरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। सेक्स कम्युनिज्म में क्या होता है, इसमें थिंकर्स मानते हैं कि किसी को भी किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का अधिकार था, कोई भी शादी विवाह या फिर हस्बैंड वाइफ वाला बाउंडेशन नहीं था। इसमें आप ये नहीं बता सकते थे कि कौन किसका हस्बैंड है और कौन किसका वाइफ है। इसके थिंकर्स हैं एलिस मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर और रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट। इससे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि सेक्स कम्युनिज्म होता क्या है, जो मैंने अभी बता दिया, या फिर पूछ सकता है इनमें से कौन कौन से थिंकर सेक्स कम्युनिज्म से रिलेटेड हैं, तो वो भी मैंने अभी बता ही दिया। नेक्स्ट थियरी है पैट्रियार्कल और क्लासिकल थियरी। इसके थिंकर्स बोलते हैं सोसाइटी पहले से ही पैट्रियार्कल थी, मतलब वहाँ पर पितृसत्ता था, मीन्स मेल डोमिनेशन, जो भी डिसीजन लेना होगा वो मेल्स लेंगे। इसके थिंकर्स हैं प्लेटो, अरिस्टोटल और हेनरी मेन। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन कौन से थिंकर पैट्रियार्कल थियरी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट थियरी है मैट्रियार्कल, ये सेम पैट्रियार्कल का अपोजिट है। इसमें बोलते हैं सोसाइटी पहले से मैट्रियार्कल थी, मतलब जब फैमिली का इमरजेंस हुआ उस समय सोसाइटी मैट्रियार्कल थी, मतलब मातृसत्ता, जिसका मतलब है कि जो वुमेन रहेगी, जो फीमेल रहेगी, उसका घर पर अधिकार रहेगा, सारे डिसीजन वही लेगी। इसके थिंकर है रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट, जिनकी बुक है द मदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। सेकंड थिंकर है बेकोफेन, जिनकी बुक है मिथ रिलीजन एंड मदर राइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर याद रखना है, और कन्फ्यूज भी नहीं होना है द मदर में और मदर राइट में। अक्सर केवल बेकोफेन की बुक का आधा नाम ही पूछ लेता है कि मदर राइट किसकी बुक है, तो भी आप समझ जाइएगा कि बेकोफेन का बात कर रहा है। और थिंकर्स हैं ई बी टायलर, मॉर्गन और मैकलेलन। तो ये थिंकर्स थे मैट्रियार्कल थियरी के। नेक्स्ट थियरी है इवोल्यूशनरी थियरी। इसमें बोलते हैं कि सोसाइटी का स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है। एक एग्जांपल समझते हैं, मॉर्गन की एक थियरी है फैमिली के इवोल्यूशन की, जिसमें वो बोलते हैं कि पहले फैमिली कंसाजीनियस थी, फिर पुनालुवन हुई, फिर सेंडास्मियन हुई, फिर पैट्रियार्कल हुई और फिर मोनोगैमस हुई। क्वेश्चन इससे पूछता है कि मॉर्गन की फैमिली के इवोल्यूशन की थियरी को सीक्वेंस में लगाइए, कौन कौन सा पहले आता है, कौन कौन सा बाद में आता है। तो ये पांचों आपको एक सीरियल से याद कर लेना है, और ये टर्म्स क्या होते हैं ये मैंने आगे डिस्कस किया है वीडियो में। नेक्स्ट थियरी है मोनोगैमस फैमिली की, जिसमें बोलते हैं कि फैमिली शुरुआत से ही मोनोगैमस थी, मतलब कि एक हस्बैंड का एक ही वाइफ होगा और एक वाइफ का एक ही हस्बैंड रहेगा। इसके थिंकर हैं वेस्टर मार्क, इनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। और थिंकर्स हैं मेलनोवस्की एंड डार्विन। अब हमने थ्योरी पूरा पढ़ लिया, फैमिली के फंक्शन पढ़ लिया, फैमिली का डेफिनेशन पढ़ लिया, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने टाइप की होती है फैमिली। सबसे पहले आता है पैट्रिलोकल, जिसका दूसरा नाम है वेरी लोकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि पैट्रिलोकल का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो आपको भूलना नहीं है पैट्रिलोकल का दूसरा नाम है वेरी लोकल। तो पैट्रिलोकल होता क्या है, ऐसी फैमिली जिसमें दुल्हन शादी के बाद दूल्हे घर जाती है। हमारी सोसाइटी में आपने देखा ही होगा मेजरली इंडिया में लड़कियां ही विदा होती हैं, तो इसका मतलब इंडिया में पैट्रिलोकल प्रोमिनेंट है। बगल में मैंने ब्रैकेट में कौन कौन से ट्राइब कौन कौन से फैमिली टाइप को फॉलो करती हैं वो मेंशन कर दिया है, तो उसको आपको याद रखना है। तो पैट्रिलोकल को फॉलो करता है भील और खारिया। नेक्स्ट टाइप है मैट्रिलोकल, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा, लड़का विदा होकर लड़की घर जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया, तियान और मोपला, ये ट्राइब फॉलो करती है मैट्रिलोकल को। और मैट्रिलोकल का दूसरा नाम है उगजोरी लोकल, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप है नियो लोकल, ये कॉन्सेप्ट गिडेंस ने दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसमें क्या होता है, ना लड़की जाएगी लड़के घर,
ना लड़का जाएगा लड़की घर, दोनों लोग कहीं भी जॉब करते रहेंगे और एक नई सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, उससे हम देख सकते हैं अक्सर ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं न्यू लोकल। नेक्स्ट है एवेंक्यू लोकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि एवेंक्यू लोकल किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है तो वो अपने मामा के घर, मतलब कि लड़के के मामा के घर दूल्हा और दुल्हन दोनों रहते हैं। ध्यान रखिएगा, लड़के के मामा के घर मतलब मेल के मामा के घर दूल्हा और दुल्हन दोनों रहते हैं, ना कि फीमेल के। तो एवेंक्यू लोकल में ये होता है। इसको फॉलो करती है खासी, टोडा और आस्थानी ऑफ घाना। नेक्स्ट टाइप है मैट्री पैट्री लोकल। इसमें क्या होता है, शादी के बाद जो दूल्हा रहेगा वो दुल्हन के यहाँ रहेगा, तब तक रहेगा जब तक तो उसका पहला बच्चा नहीं पैदा हो जाता है। जैसे ही पहला बच्चा पैदा हो जाता है वो फिर से अपने घर में आ जाएगा दुल्हन को लेके। नेक्स्ट टाइप है नाटो लोकल। इसमें क्या होगा कि शादी के बाद लड़की लड़के घर नहीं जाएगी, वो अपने ही घर रहेगी, केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए लोग मिलेंगे और बच्चा भी अपनी माँ के ही साथ रहेगा। सो इसमें कोई कहीं नहीं जाता है। नेक्स्ट है पैट्रिलिनियल। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो सन टू सन ट्रांसफ़र होती है, मतलब मेल मेंबर टू मेल मेंबर, उसमें फीमेल का कोई अधिकार नहीं होता है। हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार रहता है वो अक्सर मेल के पास ही रहता है। जो पैट्रिलिनियल डिसेंट होते हैं उनको अगांटिक बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अगांटिक किसे कहते हैं। तो पैट्रिलिनियल जो डिसेंट होते हैं उनको अगांटिक बोलते हैं। फिर है मैट्रिलिनियल, ये जस्ट अपोजिट है पैट्री का। इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फीमेल टू फीमेल होता है। नायर्स और कारो ट्राइब इसको फॉलो करते हैं। और जो मैट्रिलिनियल डिसेंट होता है उसको यूटेरिन बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों आप याद रखिएगा, अगर भूलेंगे तो आप एमसीक्यू गलत करके आएंगे। नेक्स्ट है बाइलिनियल, की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दोनों तरफ हो सकता है, मेल को भी फीमेल को भी। इसका एक और टर्म है कॉग्नेट्स, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं फैमिली को किस थिंकर ने कितने टाइप में बांटा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिंडन बांटते हैं फैमिली को दो टाइप में, ब्लड रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड। ऐसी फैमिली जो केवल ब्लड से जुड़ी हुई है, मतलब जिसका संबंध खून से हो, मतलब मम्मी हो गए, पापा हो गए, बेटा हो गया, बेटी हो गया, इनमें आपस में ब्लड का रिलेशनशिप है। और दूसरा है मैरिज रिलेटेड, मान लो लड़की गई लड़के घर, जो लड़के की मम्मी रहेंगी, लड़के के पापा रहेंगे, वो उस लड़की से ब्लड से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी वो उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैरिज रिलेटेड। तो मैरिज के बाद जो हमारी फैमिली बनती है उसको बोल देंगे मैरिज रिलेटेड। फिर जिम्मेमान बांटते हैं फैमिली को तीन टाइप में, ट्रस्टी फैमिली, डोमेस्टिक फैमिली, एडोमेस्टिक फैमिली। जिम्मेमान की बुक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ट्रस्टी फैमिली क्या होती है, इनमें इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, ये अक्सर ट्राइब्स में या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी में पाए जाते हैं। सेकेंड है डोमेस्टिक फैमिली, ये जस्ट अपोजिट है ट्रस्टी का, इसमें उतना म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं होता है। थर्ड है डोमेस्टिक फैमिली, जो इन दोनों का मिक्सचर है, इसमें अपना प्रॉफिट लॉस भी देखते हैं बट साथ में म्यूचुअल कॉपरेशन भी होता है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट है बर्गेज एंड लॉक, ये बांटते हैं फैमिली को इंस्टीट्यूशनल फैमिली में और कंपेनियनशिप फैमिली में। इंस्टीट्यूशनल फैमिली क्या होती है, ऐसी फैमिली जिसके मेंबर्स का बिहेवियर मोर्स और पब्लिक ओपिनियन द्वारा कंट्रोल्ड हो, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फैमिली। इस टाइप की फैमिली काम होता है कि वो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करे। दूसरा है कंपेनियनशिप फैमिली, जिसमें जो बिहेवियर होता है फैमिली मेंबर्स का वो म्यूचुअल अफेक्शन मतलब प्यार और इमोशन से और कंसेंसस सहमति से बनता है। तो ये दो टाइप की फैमिली थी बर्गेस एंड लॉक की। नेक्स्ट है जॉर्ज पीटर मर्डॉक, ये बांटते हैं फैमिली को इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली और कंपोजिट फैमिली। नाम से मालूम चल रहा है इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर मतलब जो स्वतंत्र हो और न्यूक्लियर हो, मतलब केवल फादर मदर सन और डॉटर रहें, और कंपोजिट में क्या होगा जिसमें सारे लोग मिलकर रहें। एक और डिवीजन है मर्डॉक का, जिसमें वो बांटते हैं फैमिली को फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस थिंकर ने बात किया है इन दो टाइप का, या फिर ये भी पूछ सकता है कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होता है। सो जिस फैमिली में कोई इंडिविजुअल बॉर्न होता है, मतलब ब्लड का रिलेशनशिप हो, मतलब वहाँ पे वो पैदा हो, उसको बोल देंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और जो फैमिली शादी के बाद बनती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। काफ़ी सिंपल है, बस इसको आपको ध्यान से पढ़ना है जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। ओरिएंटेशन में आप पैदा होते हैं, प्रोक्रिएशन में आपका मैरिज होने के बाद फैमिली बनता है। फिर मर्डॉक का एक टर्म है जिसमें वो पॉलीएंड्री को बोलते हैं एथनोग्राफिक क्यूरियोसिटी। पॉलीएंड्री को एथनोग्राफिक क्यूरियोसिटी कहने का मतलब था मर्डॉक का कि इतना रेयर है कि हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हमारे एथनोग्राफर्स का ये क्यूरियोसिटी का विषय है। मीन्स जहाँ कहीं भी पॉलीएंड्री पाई जाती है, काफ़ी इंटरेस्ट लेके हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसका स्टडी करते हैं, इसलिए मर्डॉक ने बोला था पॉलीएंड्री को एथनोग्राफिक क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है एमएस गोरे, जो बांटते हैं फैमिली को फिलियल जॉइंट फैमिली, फेटरनल जॉइंट फैमिली, फिलियल फेटरनल जॉइंट फैमिली। फिलियल जॉइंट फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स रहेंगे, मैरिड सन रहेगा और उस मैरिड सन के बच्चे रहेंगे,
और पैटर्नल ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, दो मैरिड ब्रदर्स रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे, इसमें पेरेंट्स नहीं रहेंगे। और जब दोनों को मिला देते हैं तो बनता है फिलियल और पैटर्नल, इसमें क्या रहेगा, पेरेंट्स भी रहेंगे, मैरिड सन भी रहेंगे, मैरिड ब्रदर्स भी रहेंगे और उनके बच्चे भी रहेंगे, मतलब ऊपर के दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट थिंकर हैं एलन डी रॉस, जो कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, और वो बांटते हैं फैमिली को ज्वाइंट फैमिली, लिटिल ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और डिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट थिंकर आई पी देसाई, जो बांटते हैं फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली, फंक्शनली ज्वाइंट फैमिली, फंक्शनली एंड सबस्टेंशली ज्वाइंट फैमिली, मार्जिनली ज्वाइंट फैमिली और ट्रेडिशनली ज्वाइंट फैमिली। अगर पूछना भी होगा मैक्सिमम तो यही पूछेगा कि आई पी देसाई ने कौन कौन सी टाइप की फैमिली बांटी है या फिर एलन डी रॉस ने कौन कौन सी टाइप की फैमिली बांटी है, ये नहीं पूछेगा कि क्या होती हैं ये सब। फिर भी जो जो मुझे मिला है उसको मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। फिर केएम का पर्याय का डिवीजन है, वो बांटते हैं न्यूक्लियर फैमिली जिसमें अनमैरिड सन रहे, और दूसरी न्यूक्लियर फैमिली रहेगी जिसमें मैरिड सन रहेगा, तीसरी है लीनियर फैमिली, चौथी है कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली और पांचवी है फैमिली विथ विडोड सिस्टर। नेक्स्ट थिंकर है पॉलिन कोलिंडा, जिन्होंने फैमिली को 11 टाइप्स में बांटा है, जिसमें से 5 टाइप की न्यूक्लियर फैमिली है और 6 टाइप की ज्वाइंट फैमिली है, तो 6 ज्वाइंट और 5 न्यूक्लियर मिला के हो गया 11 टाइप का। सो देखते हैं 5 न्यूक्लियर फैमिली कौन कौन सी होती हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड, तीसरा है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, चौथा है सब न्यूक्लियर फैमिली और पांचवा है सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। ये सारे टर्म्स मैंने नीचे मेंशन किए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये होता क्या है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा क्या होता है ये। और जो 6 टाइप की ज्वाइंट फैमिली है उसमें आता है कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली, सेकंड है सप्लीमेंटेड कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली, थर्ड है लीनियर ज्वाइंट फैमिली, फोर्थ है सप्लीमेंटेड लीनियर ज्वाइंट फैमिली, फिफ्थ है लीनियर कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली और सिक्स्थ है सप्लीमेंटेड लीनियर कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली। इस तरीके से कोलिंडा के 11 टाइप की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ पे कौन कौन से थिंकर ने कौन कौन सी बुक लिखी है इंपॉर्टेंट, वो मैंने मेंशन कर दिया है। वोगल एंड बेल का बुक है द इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड एज द फैमिली स्केप गोट, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है कि किसने लिखा है। फिर आर डी लैंग की बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, और ये बोलते हैं फैमिली रिलेशंस आर पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव। चूंकि ये मार्क्सिस्ट थे तो ये मानते हैं फैमिली को कि केवल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बना हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है विलियम जी गुडे, जिनकी बुक है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक एंगल्स, जिनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये 1844 में लिखी गई थी और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंकर है डेविड चील, जिनकी बुक है डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज। नेक्स्ट है मार्गरेट बेंसन, जो बोलते हैं फैमिली परपेचुएट्स अनपेड लेबर, ये भी मार्क्सिस्ट थे जो बोलते थे कि फैमिली इसलिए बनाई गई है जिससे महिलाएं वहां पे आ सके और फ्री में काम कर सके, उनको एज ए लेबर नहीं देखा जाता है, केवल काम करने की एक फ्री की मशीन देखा जाता है। अब जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टर्म है फिलियोसेंट्रिक, इसका मतलब होता है जब फैमिली डिसीजन घर के बच्चे लेने लगे तो उसको बोलते हैं फिलियोसेंट्रिक फैमिली। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चे कहीं बाहर पढ़ के आते हैं और माँ बाप थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो सारे डिसीजन बच्चे ही लेते हैं, मदर फादर का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको बोलेंगे फिलियोसेंट्रिक फैमिली। अब जो हमने एलिस मॉर्गन का इवोल्यूशन ऑफ फैमिली पढ़ा था, पहला था कंसाजीनियस, जिसका मतलब होता है इंटरमैरिज ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में एक तरफ सारे भाई रहेंगे और एक तरफ सारी बहनें रहेंगी और उनका आपस में शादी करवाया जाएगा। मतलब मान लीजिए एक घर में 4 भाई थे और अगले घर में 4 बहनें थी, चारों बहनों से शादी करवा दिया जाएगा। सो बहनें अलग अलग घर में नहीं जाएंगी, सारी बहनें एक ही घर में जाएंगी, क्योंकि वो जो चारों थे वो आपस में भाई थे। नेक्स्ट टर्म है पुलानुवन, ये भी कंसाजीनियस से सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो भाई रहेंगे वो सगे भाई नहीं रहेंगे, वो कजिन्स रहेंगे, मतलब चाचा का लड़का रहेगा, बुआ का लड़का रहेगा, भाई रहेगा बट कजिन में रहेगा। और जो दूसरी पार्टी की सिस्टर्स भी रहेंगी वो भी आपस में कजिन्स रहेंगी, जरूरी नहीं है कि सगी बहन रहें। तो अगर इन लोगों में आपस में मैरिज होता है तो इसको बोलते हैं पुनालुवन। नेक्स्ट था सिंडास्मियन, जिसमें शादी तो सिंगल पेयर का होता है, मतलब केवल एक हस्बैंड एक वाइफ रहेंगे, बट उनको अलग से घर बसाने का अधिकार नहीं रहता है, जैसा कि अभी होता है हमारे साथ में कि शादी के बाद हम घर बसा लेते हैं अलग से जाके, सिंडास्मियन में ऐसा अधिकार नहीं होता है, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कोहिबिशन नहीं रहेगा। सो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि किस टाइप की मैरिज में एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कोहिबिशन नहीं होता है, तो हो जाएगा सिंडास्मियन। पैट्रियार्कल हमने बताया ही क्या होता है, और पैट्रियार्कल का दूसरा नाम है पैट्री प्रोटेस्टल, जब भी कहीं में पैट्री प्रोटेस्टल पूछे इसका मतलब बात कर रहा है पैट्रियार्कल का, ऐसे अगर मैट्री प्रोटेस्टल पूछे तो इसका मतलब बात हो रहा है मैट्रियार्कल का। अब जो हमने मैकाइवर का पढ़ा था एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली और नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, वो देख लेते हैं क्या होता है। एसेंशियल कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं, स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड, मींस सेक्सुअल नीड को सेटिस्फाई करना। दूसरा है प्रोडक्शन एंड रीयरिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे पैदा करना और उनको बड़ा करना। और तीसरा है प्रोविजन ऑफ होम, मतलब एक घर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक घर में सब लोग रह रहे हैं, ये है फैमिली का एसेंशियल फंक्शन, मतलब कि महत्वपूर्ण फंक्शन। और दूसरा है नॉन एसेंशियल, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस आती है, एजुकेशन आता है, इकोनॉमिक आता है और हेल्थ आता है।
इसमें ऑप्शन देखे पूछ सकता है कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टर्म है कंजुगल फैमिली। इसका मतलब होता है फैमिली बाय मैरिज। ऐसी फैमिली जो मैरिज के बाद बनी हो उसको बोलते हैं कंजुगल फैमिली। और उसी का अपोजिट है कंसाजिनियस फैमिली। ऐसी फैमिली जो ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई हो, मीन्स फादर सन हो गया, फादर सिस्टर हो गया, मदर सन हो गया, मदर सिस्टर हो गया, ये हो जाएंगे कंसाजिनियस फैमिली। अब आप बोलेंगे कि एलिस मॉर्गन वाला दूसरा है क्या और ये वाला दूसरा है क्या, तो हाँ, एलिस मॉर्गन वाला प्रिमिटिव सोसाइटी के लिए था और ये वाला जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसके लिए यूज होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं कोलेटरल जॉइंट फैमिली होता क्या है। इसमें दो भाई रहेंगे और उनकी वाइफ रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे, इसी को बोलते हैं कोलेटरल जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली। जब कभी भी किसी भी टर्म में सप्लीमेंटेड जुड़ जाए, इसका मतलब है कि उसके साथ में एक मेंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली। हमने अभी डिस्कस किया कि कोलेटरल जॉइंट फैमिली क्या होता है, उसी में एक मेंबर बढ़ जाएगा। हो सके कोई विडो रहे या फिर कोई सिस्टर रहे, तो आके अगर रहने लगे इन लोगों के साथ में, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है लीनियल जॉइंट फैमिली। इसमें भी दो ही कपल रहेंगे बट उनके बीच में लीनियल लिंक रहेगा। चलिए पहले देख लेते हैं कोलेटरल और लीनियल होता क्या है। सो कोलेटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल के लिए ब्रदर और ब्रदर के बीच में रिलेशनशिप को बोलते हैं कोलेटरल, और अगर लीनियल है तो इसका मतलब वर्टिकल, मतलब कि फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप। तो लीनियल जॉइंट फैमिली में क्या होगा, फादर मदर रहेंगे और सन की वाइफ रहेगी, तो चार लोग रहेंगे, मदर फादर सन और उसकी वाइफ, इसको बोलेंगे लीनियल जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट टर्म है सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली। मैंने अभी बताया ही सप्लीमेंटेड का मतलब एक लोग और जुड़ जाएंगे, वो कोई भी हो सकता है लीनियल फैमिली में, तो इस तरीके से बनेगा सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट टर्म है लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। इसमें क्या रहेगा, पेरेंट्स रहेंगे और उनके मैरिड सन रहेंगे और उन सन्स के अनमैरिड चिल्ड्रंस रहेंगे, तो ये हो जाएगा लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। इसमें सब कुछ सेम रहेगा लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली का, बस एक मेंबर और जुड़ जाएगा लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली में। तो इस तरीके से जितने टर्म्स थे, जितने टाइप्स थे, जितने फंक्शंस थे और किस किस थिंकर ने क्या क्या बांटा है, क्या क्या कहा है, सब डिस्कस कर लिया हमने। इसका MCQ मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, उसको आपको लगा लेना है और इस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर पूछ भी लेगा तो अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो शायद ही कोई और कर पाए।